हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ लॉरियल पेरिस की हाइलुरोनिक एसिड हेयर केयर रेंज। लॉरियल पेरिस ने इस रेंज को रिसेंटली लॉन्च किया है और इस रेंज में आपको मिलते हैं 3 प्रोडक्ट्स, शैम्पू, कंडीशनर एंड हेयर केयर क्रीम। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो में मैंने आपको काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, जैसे इनका टेक्सचर, इनके इंग्रेडिएंट्स, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और डेमो, जिससे आपको पता चल सके कि आप इस नाइट क्रीम को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रिव्यू स्टार्ट करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है और हेयर केयर में इसको अप्लाई करने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो गाइस, क्या आप जानते हैं स्किन की तरह हेयर के लिए भी हाइलुरोनिक एसिड एक बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट है, क्योंकि ये एक ह्यूमेक्टेंट है और ह्यूमेक्टेंट का काम होता है मॉइस्चर को होल्ड करके रखना। अपनी इसी प्रॉपर्टी की वजह से हाइलुरोनिक एसिड अपने वेट से 1000 times वाटर को होल्ड करके रख सकता है और इस वाटर को लॉक कर देता है आपकी स्किन में या आपके बालों में, जहाँ पर भी आप इसे अप्लाई करते हैं। एंड एज अ रिज़ल्ट हमारे हेयर फॉलिकल्स में मॉइस्चर का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमारे बाल सॉफ्ट, स्मूथ एंड फ्रिज फ्री रहते हैं। हेयर जितना ज़्यादा मॉइस्चराइज रहते हैं उतना ही कम उलझते हैं, उतना ही कम ड्राई होते हैं और ईजी टू मेनटेन हो जाते हैं और ज़्यादा प्लम्पी होते हैं। ये एक मिरेकल इंग्रेडिएंट है स्किन एंड हेयर के लिए, क्योंकि इसका मेन वर्क है स्किन या हेयर को हाइड्रेशन प्रोवाइड करना, इसलिए हमें इसका हेयर केयर में यूज़ ज़रूर करना चाहिए। हाइलुरोनिक एसिड हर हेयर टाइप को सूट करता है और ये केमिकली डैमेज्ड हेयर को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो गाइज, ये थी एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन हाइलुरोनिक एसिड से रिलेटेड। अब प्रोडक्ट रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये है लॉरियल पेरिस की हाइलुरोन मॉइस्चर रेंज। इसमें आपको मिलते हैं 3 प्रोडक्ट, शैम्पू, कंडीशनर एंड हेयर क्रीम। इन तीनों प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग की बात करें तो शैम्पू आता है एक पर्पल कलर की ओपेक प्लास्टिक बॉटल में। इसमें एक कैप भी अटैच्ड है, जिसे ओपन करके आप इजीली प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। इस शैम्पू के काफ़ी सारे साइजेस अवेलेबल हैं। मेरे पास 180 ml वाला साइज़ है, जिसका प्राइस 199 rupees है और ये काफ़ी अफोर्डेबल शैम्पू है। कंडीशनर की पैकेजिंग भी सेम है जैसे शैम्पू की थी। ये बॉटल 180 ml की है और इसका प्राइस 239 rupees है। नाइट क्रीम की पैकेजिंग प्लास्टिक ट्यूब में की गई है और इसमें भी फ्लिप कैप अटैच्ड है। ये ट्यूब 180 ml का है, जिसकी कॉस्ट 499 rupees है। शैम्पू एंड कंडीशनर के कंपैरिजन में नाइट क्रीम थोड़ा प्राइसी है। ओवरऑल पैकेजिंग बेसिक है। ये पूरी रेंज कलर कोडेड है, ट्रैवल फ्रेंडली है एंड इजी टू यूज़ है। कलर, टेक्सचर एंड फ्रेग्रेंस की बात करें तो शैम्पू का टेक्सचर स्मूथ एंड सॉफ्ट है, वाटर की तरह लाइट वेट है, इसमें कलर प्रेजेंट है, प्लस इसमें फ्रेग्रेंस भी प्रेजेंट है। शैम्पू काफ़ी अच्छे से लेदर होता है और स्कैल्प को डीपली क्लीन कर देता है। लेदर प्रॉपर्टी होने की वजह से आपको इसका थोड़ा अमाउंट लेने की ही रिक्वायरमेंट होती है। ये शैम्पू एक हाइड्रेटिंग शैम्पू है और ये कम्प्लीटली एल्कोहल फ्री है। कंडीशनर का टेक्सचर थोड़ा थिक है एज कम्पेयर टू शैम्पू, बट ये इजीली बालों में अप्लाई हो जाता है। इसका कलर भी लाइट पर्पल है और इसमें भी फ्रेग्रेंस प्रेजेंट है। नाइट क्रीम का टेक्सचर क्रीमी है, लाइट वेट एंड नॉन ऑयली है। ये बालों को ऑयली नहीं करती है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि इस क्रीम की वजह से आपके बाल गीले लग रहे हैं या वेट हो गए हैं, बट 5 मिनट बाद आपके बाल ड्राई हो जाते हैं। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो बेसिकली ये पूरी रेंज हाइलुरोनिक एसिड से बनी हुई है। इसके अलावा इसमें सैलिसिलिक एसिड भी प्रेजेंट है, जो हमारी स्कैल्प पे होने वाले एक्ने को कंट्रोल करता है। इसमें ह्यूमेक्टेंट्स भी हैं, जो हमारे बालों को मॉइस्चराइज रखते हैं। इसके साथ इसमें प्रिजर्वेटिव्स एंड कलरेंट्स भी प्रेजेंट हैं। ये रेंज SLS फ्री नहीं है, इसलिए आपने अगर रिसेंटली अपने बालों में कलर करवाया है तो आप इस रेंज को यूज़ मत करिए, वरना आपका कलर वॉश ऑफ हो सकता है। ये प्रोडक्ट्स क्लेम करते हैं कि इन्हें यूज़ करने के बाद आपके बाल 72 आवर्स तक मॉइस्चराइज्ड रहते हैं, फ्रिज फ्री रहते हैं, आपके बालों का टेक्सचर स्मूथ एंड शाइनी हो जाता है और बाल पहले से ज़्यादा प्लम्पी दिखाई देते हैं।
कंटिन्यूसली इस रेंज का यूज़ करने से डल, डिहाइड्रेटेड एंड डैमेज्ड बाल काफ़ी इम्प्रूव होते हैं। हाइलुरोनिक एसिड शैम्पू से स्कैल्प को काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि ये हमारी स्कैल्प को डीपली क्लीन करने के साथ उनका नेचुरल ऑयल भी मेंटेन रखते हैं, हमारी स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखते हैं। कंडीशनर को स्कैल्प में नहीं लगाया जाता है, इसलिए इसे बालों की लेंथ पे लगाया जाता है और ये हमारे बालों की लेंथ को मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही कंडीशनर हमारे बालों के पीएच को भी कंट्रोल करता है। नाइट क्रीम का यूज़ आपको नाइट में करना है और इसको अप्लाई करने के बाद आपको नेक्स्ट डे हेयर वॉश करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये रेंज हर हेयर टाइप के लिए सूटेबल है। अब इस क्रीम को लगाने का डेमो देख लेते हैं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि इसे कैसे लगाना है। अगर आपके हेयर ड्राई, डल, डिहाइड्रेटेड एंड डैमेज्ड हैं तो आप इन प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना ज़्यादा टाइम एसी में स्पेंड करते हैं उस केस में आपको हाइलुरोनिक एसिड का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड का काम वाटर को एब्जॉर्ब करने का है। अगर आपके एनवायरनमेंट में वाटर कंटेंट अवेलेबल नहीं है या ह्यूमिडिटी लेवल ज़ीरो है तो उस केस में ये आपकी स्कैल्प से वाटर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, जिससे आपकी स्कैल्प और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद अच्छा रहा है, क्योंकि मेरे बालों का टेक्सचर डल, डिहाइड्रेटेड एंड फ्रिजी हेयर हैं, तो इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद मुझे अपने बाल काफ़ी मॉइस्चराइज लगते हैं और मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा है अपने बालों में। नाइट क्रीम पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपको अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट शैम्पू एंड कंडीशनर से मिल रहा है तो आप इस नाइट क्रीम को स्किप कर सकते हैं, या इसके बदले में आप कोई अच्छा सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, ये था लॉरियल पेरिस की हाइलुरोनिक एसिड हेयर केयर रेंज का डिटेल्ड रिव्यू। अब इस वीडियो को रैपअप करते हैं। अगर आप इसी तरह की डिटेल्ड एंड इन डेप्थ वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल।